सच न्यूज के नाजरीन आदाब, पेश है आज की ताजा खबर। स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड, एड्रेस सीडीसी बिल्डिंग सिकंदराबाद। भारत माता की जय, जय श्री राम। सभी राम भक्तों को 6 दिसंबर के दिन जो हम शौर्य दिवस मनाते हैं, वो शौर्य दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ उन सभी राम भक्तों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास कोई भी मंदिर हो, उस मंदिर में सभी इकट्ठा होकर शौर्य दिवस मनाएं, मिठाई बांटे एवं अयोध्या में भव्य मंदिर, भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर जल्द से जल्द बने, ऐसे भगवान से ही आप लोग प्रार्थना कीजिए। क्योंकि हम सबका सपना है कि भव्य अयोध्या में राम जी का मंदिर बने, और इसको कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। साथ ही साथ हर वर्ष कोई ना कोई कार्यक्रम हमारी ओर से किया जाता है, लेकिन इस बार तकरीबन 2 धर्म सभाएं एवं बाइक रैली का आयोजन ऐतिहासिक भूमि चित्तौड़गढ़, जो महाराणा प्रताप की भूमि है, वहां पर एक बाइक रैली और 2 धर्म सभाओं का आयोजन किया गया है। यानी भाइयों भाइयों, मेरी ओर से जितना भी धर्म के प्रति कार्य करना है सो मैं कर रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है। अगर हर हिंदू, हर नेता, ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना है, अगर ये संकल्प ले ले मेरे भाइयों, तो अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन दुर्भाग्य की बात, हिंदुत्ववादी नेताओं की संख्या कम होते जा रही है और सेक्युलर नेताओं की संख्या बढ़ते जा रही है। ये दुर्भाग्य है हमारा देश का, ये हमारे हिंदू देश का ये दुर्भाग्य है। ठीक है, ये उनकी सोच है, क्या कर सकते, वो लोग किस प्रकार से काम करना है उनके ऊपर छोड़ दो, लेकिन हमें तो अपना कर्तव्य निभाना है। अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हमें लड़ना है, अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना हमें करना है, और भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। साथ ही साथ चित्तौड़गढ़ राजस्थान के सभी हिंदू नौजवानों को 6 दिसंबर के दिन ठीक 12:30 बजे महलों का चौक शाहपुर भीलवाड़े में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ जो मेरी दूसरी सभा है, वहां से जस्ट 60 किलोमीटर दूर 3 बजे रहेगी ये विशाल हिंदू गर्जना, एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया है युवा शक्ति मंडल द्वारा। ये भी भीलवाड़ा में है भाइयों, आजाद चौक पर। ये 2 धर्म सभाएं हैं, 2 अलग अलग जगहों पर धर्म सभाओं का आयोजन किया गया। हमारा लक्ष्य एक ही है, हर हिंदू के हृदय में भगवान रामचंद्र जी के प्रति भावना जगाए, और हर हिंदू के दिल में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, ये हर हिंदू सोचने की आवश्यकता है, और यही संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और अखंड हिंदू राष्ट्र का हमारा सपना है, मैं सोचता हूं कि हर हिंदू का बस एक ही एक सपना होना चाहिए, अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र। भारत माता की जय, जय श्री राम।